आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की तबाही मची हुई है। कहीं मकान ढह रहे हैं तो कहीं सड़क धस रही है। बागपत में यमुना हालत सामान्य है। बागपत के जिलाधिकारी ने फिर हालोलों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। 40 गांवों को लेकर यमुना के किनारे जाने वाली चेतावनी दे दी है। आप देख सकते हैं प्राइमरी के न्यूज चैनल के लिए रोजुद्दीन तैग की रिपोर्ट बागपत। हम खड़े हैं बागपत के यमुना नदी के पुल के नीचे, जहां अभी दो दिन पहले बाढ़ के हालात बने थे, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले कई दिन से लगातार जो बरसात चल रही थी, बरसात के बाद जो हथनी कुंड बैराज के जो है वहां से लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब बागपत में पानी पहुंचा तो बागपत में जो बाढ़ के आसार बन गए थे, जितने भी यमुना नदी के आसपास के गाँव हैं सभी में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया था। किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी यमुना नदी पर आने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे पानी उतरा है। उतरने के बाद में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पानी उतर चुका है और जो बाढ़ के जो हालात है वो सामान्य हो चुके हैं। पानी उतरने के बाद, हालात सामान्य होने के बाद में जिला प्रशासन ने जो राहत की सांस ली है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज से रोजुद्दीन त्यागी, बागपत। देखिए, यमुना में अभी जो 3 दिन पहले हथनी कुंड बैराज से जो 6 लाख क्यूसेक जल छोड़ा गया था, वो जब यहाँ पहुँचा शनिवार रात्रि और रविवार को, तो वहाँ जलस्तर में काफ़ी उफान आया था। लेकिन वर्तमान में हथनी कुंड बैराज से उसके बाद जो डिस्चार्ज हो रहा है वो काफ़ी कम अमाउंट हो गया और अब यह घटकर 50,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। तो जलस्तर इकाई यहाँ का नीचे होते जा रहा है। चूँकि यह जनपद अपस्ट्रीम में ही आता है, इसलिए बाढ़ की बहुत दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के रूप में हम लोग खुद भी जाके और हमारे सभी SDM और लेखपाल जो किनारे के गांव हैं तीनों तहसीलों का, उसका भ्रमण करते हैं। लोगों को यमुना के नज़दीक आने से भी हम लोग रोकते हैं। कई नोटिस बोर्ड हमने लगाई हैं उनके किनारे, नदी के किनारे।